अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, इनकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो समझने की। 3.3 एक्सरसाइज आइए देखें, आपको नज़र आ रही है। तो ये पहला दिया हुआ सवाल कि सम और डिफरेंस के फॉर्म में लिखें, मैं इसमें से कुछ सवाल करवाऊंगा। फिर दूसरा ये दिया हुआ मल्टीप्लाई और डिवीजन के फॉर्म में लिखें, फिर एक ये दिया हुआ है। तो लिहाजा ये सवाल मैं आपको करवाऊंगा ताकि आपको लॉगरिथम का इस्तेमाल अच्छे तरीके से आ जाए। जिस तरह सिंपल है, उन्होंने पहला सवाल दिया हुआ है, वो आपको कहते हैं लॉग ए क्रॉस बी। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था जस्ट आपने कुछ नहीं करना, आपने लॉग लिखना है। अगर मल्टीप्लाई हो रहेंगे, इफ़ दे आर मल्टीप्लाई, तो आपने उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, एडिशन में, एंड लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी मल्टीप्लाई इसमें कन्वर्ट हो गया। इसी तरह अगर आपको मैं सिंपल एक और समझाऊँ, लॉग 21 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 8, इसको कैसे करना है? तो सिंपल, आपने रूल्स के ऊपर ही रहना है। आपने क्या करना है, लॉग 21 ये मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस लॉग 5 ये डिवाइड हो रहा है, माइनस लगा देना है और लॉग 8, जस्ट इतना सा काम। यानी कि जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके दरमियान में आपने प्लस लगा देना है, और जो डिवाइड हो रहे हैं उधर आपने क्या लगा देना है, माइनस, कुछ भी नहीं करना। अब मैं आपको एक और सवाल करवाता हूँ जिसमें दो तीन रूल इकट्ठे आ जाते हैं, लॉग अंडर रूट 7/15 और इधर दिया हुआ है 3। अब क्या करेंगे, कुछ मुश्किल नहीं, वेरी इजी। सबसे पहले हम इसकी शक्ल बनाते हैं, इसकी फॉर्म जो होती है वो 7/15 रेज टू पावर 1/3, इसको हमने इसमें लिख लिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। फिर हमने क्या किया, दोनों के साथ अलहदा कर लिया, ये हम बढ़कर आए हैं सेकंड यूनिट में, ये हमने दोनों के साथ अलहदा कर लिया। अब देखें, गौर करें, डिवाइड हो रहा है ना, पावर दोनों के साथ अलहदा और डिवाइड हो रहा, तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, लॉग 7/3 माइनस लॉग 15/3, कुछ मुश्किल था नहीं। अब एक चीज़ रह गई, ये जो पावर है, ये जो इसकी पावर है जिसको हमें पावर कहते हैं, ये इसको शुरू में ले आना है। लॉग के एक रूल में पड़ा था, अगर पावर आ जाए तो हम क्या करेंगे, पावर को शुरू में ले आएंगे, पावर को शुरू में ले आएंगे। ये लें जी, हमारा सवाल हल इजीली हो गया। मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गई कि इन सवालों को आपने किस तरह करना है। अब इसी तरह एक सवाल वो आपको देता है क्वेश्चन नंबर 3 में, कि अगर मैं आपको इस तरह की शक्ल दूं तो क्या आप इस तरह कन्वर्ट कर लेंगे। अगर उसने आपको सम एंड डिफरेंस के फॉर्म में दिया है, वो कहता है कि राइट द फॉलोइंग इनटू द सिंगल लॉगरिथम, आपको दियो एंड डिफरेंट और उसको कहता है सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करने। मैंने कहा कि भैया आप मुझे सवाल तो दें, फिर मैं इजीली उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। उस वो आपको कहता है लॉग 25 प्लस लॉग 3। मैंने आपको ये सवाल दिया तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम, हम क्या करेंगे, प्लस हो रहे हैं, देखें प्लस हो रहे हैं तो लॉगरिथम को एक बार लिखेंगे, जो प्लस हो रहे हैं उनको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, और हमारा सवाल ख़त्म। अब कहते हैं सर इससे थोड़ा सा डिफरेंट सवाल, हमने कहा क्यों नहीं इससे थोड़ा सा डिफरेंट सवाल देख लेते हैं। उसने कहा लॉग 25 माइनस 3 लॉग 2,
ये सवाल है, इसको कन्वर्ट करें। तो मैंने कहा भाई पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो शुरू में आया हुआ नंबर इसको उसकी पावर में लेकर जाएंगे, इधर देंगे इधर है। तो हमने क्या किया, लॉग 25 एज इट इज़, ये 3 2 की पावर बन जाएगा, ये 3 गोज टू 2 रेज टू पावर, एंड नाउ दे आर माइनस लॉग 1 टाइम। अब हम क्या करेंगे, 25 और ये डिवाइड हो रहा है 2 रेज टू पावर 3, ये लेंजी डिवाइड हो गया, हमारा सवाल इजीली हल हो गया। मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गई कि हमने जो सा है वो सम और डिफरेंस को कन्वर्ट कैसे करना है। अब एक सवाल वो आपको और दे देता है और वो कहता है सिंप्लीफाई करें। सवाल देता है वो आपको, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, अक्सर आ जाता है। वो कहता है लॉग, मैंने आपको ये लास्ट में भी पढ़ाया, 3 बेस 2 मल्टीप्लाई बाय लॉग 2 बेस 81, इसको सॉल्व करें। हमने कहा नो प्रॉब्लम, इट इज़ वेरी इजी। वैसे तो मुझे पता चाह रहा है 2 2 से कट जाएगा, लॉग 81 और बेस में 3 आ जाएगा, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। हमें पता है कि ये जो लॉग है ये बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 3 एंड मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ 81 डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2। ये तो बड़ा इजी हो गया, ये इससे कट गया, नेचुरल लॉग ऑफ 81 डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 3। अब 81 मुझे पता है क्योंकि मैंने सेकंड चैप्टर पढ़ा है, ये 3 रेज़ टू पावर 4 होता है और ये नेचुरल लॉग 3। लॉग के केस में पावर कहाँ आ जाएगी, शुरू में। तो हमने एज इट इज़ किया, अब देखें ये लें जी कितना इजीली हमसे सॉर्ट आउट हो गया। तो ये जो सवाल हैं ये आपने अच्छे तरीके से इसी तरीके से करने हैं। मैं आपको थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल करवाता हूँ अभी। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता है। वो कहता है कि लॉग एक्स माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 और माइनस log एक्स स्क्वायर माइनस 1। पता ये मैंने आपको सवाल दे दिया और इसको आपने क्या करना, सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है। तो हमने सिर्फ अपने रूल्स जो हमें पता है हमने उन्हीं के ऊपर रहना है। देखें जी, एक ये प्लस का और एक ये प्लस का, एक ये माइनस का और एक ये माइनस का। तो हमने करना क्या, कुछ भी नहीं करना, हमने क्या करना है, हमने लिखना है लॉग, जो प्लस वाले हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऊपर लिख लिए जाएंगे, वो क्या है एक्स और ये क्या है, ये क्या है 3। लेकिन इसमें एक चीज़, ये पहले पावर कहाँ चली जाएगी, इसके सर के ऊपर चली जाएगी, ये पावर इसके सर के ऊपर चली जाएगी। तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 1 की पावर 3, क्योंकि लॉग के केस में पावर कहाँ चली जाती है, शुरू में। तो ये शुरू में चलेगी और ये दोनों प्लस हो रहे थे तो हमने ऐसे लिखा। अब गौर करें, इसकी भी तो पावर दी हुई है, तो ये पावर भी कहाँ चलेगी, इसके सर के ऊपर चलेगी, ये आ गया एक्स स्क्वायर, डिवाइड था माइनस था तो इसने डिवाइड कर दिया। अब ये भी इसी के साथ ही नीचे लिख लिया जाएगा, इसके तो शुरू पे कुछ नहीं है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। मेरे ख्याल में सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिख लिया। हम इसको सिंप्लीफाई भी कर देते हैं जितना हमसे होता है। ये देखें, ये एक एक्स इस एक्स से कट गया, ऊपर आ गया एक्स प्लस 1 रेस्ट पावर 3, नीचे एक्स
और ये एक्स स्क्वेयर माइनस वन है, तो याद रखिए एक्स स्क्वेयर माइनस वन बराबर होता है एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। ये आपने हमेशा याद रखना है, एक्स स्क्वेयर माइनस वन बराबर होता है एक्स प्लस वन। ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला। तो आप समझदार हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, तो आपने ऐसे ही किया। ये से कट गया, ये ए किससे कट गया, और अब आपके पास बच गया ऊपर एक्स प्लस वन का स्क्वेयर और नीचे बच गया एक्स इंटू एक्स माइनस वन। और ये आपका सवाल इजीली हल हो गया। ये याद रखिए ऊपर पावर तीन है, नीचे वन है, वन तीन से कटी तो नीचे दो बच गया। मेरे ख्याल में आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। अब इसी तरह आपको कुछ सवाल दिए जाते हैं, जिस तरह वो आपको कहता है कि log 5 प्लस 2 log 6 माइनस 4 log 2, इसको सॉर्ट आउट करें। तो हमने कहा ठीक है, हमने कुछ नहीं करना, लॉगरिथम को एक बार लिखना है। ये दोनों प्लस के हैं, ये 5, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 6 रेस्ट पावर 2 ये शुरू में, और ये पावर इसकी चली जाएगी सर के ऊपर 2 रेस्ट पावर 4। अब हम इसको मज़ीद सॉर्ट आउट करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 36 और ये हो गया 60। टू एट ज़ार, टू एटीन ज़ार, टू फोर ज़ार, टू नाइन ज़ार। तो ये आपके पास आ गया 5 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 4, और इसको मज़ीद किया ऊपर आ गया 45, नीचे आ गया 4। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी, आई होप सो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मैं आपको बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अगर आपको अच्छा नहीं लगता आप डिसलाइक करें, मुझे बताएं, मैं उसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।